अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मुदस्सिर अली और आज मैं आपको एक नई वीडियो में वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी YouTube की वीडियोस को स्केजुअल कैसे अपलोड कर सकते हैं, यानी कि आपने काफी यानी कि दो तीन वीडियोस आपने बना ली हुई हैं, आप उन्हें अपलोड करना चाहते हैं लेकिन ताकि तरतीब में लगाना चाहते हैं ताकि अगर आप अगले दिन आप बिजी हैं तो वो ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाए और आपको कोई ज्यादा टेंशन ना हो और आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। काफी दोस्त अहबाब ने, दूसरे यूट्यूबर्स ने भी इस पर वीडियो बनाई हुई है लेकिन वो पुरानी है, तो जो 2020 का नया तरीका भी हो चुका है, उन्होंने अपग्रेड किया हुआ यूट्यूब को, तो उस तरीके में स्केजुअल वीडियोस किस तरह अपलोड करनी हो मैं सारा तरीके का इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सारा तरीकेकार समझ आ सके और आप इसे आसानी से समझ के अपनी वीडियो को स्केजुअली अपलोड किस तरह करते हैं वो आप समझ सकें। तो मैं आपको ले चलता हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और वहां जाके आपको दिखाता हूँ कि आपने अपनी वीडियोस को स्केजुअल अपलोड किस तरह करना है। तो आइए फ्रेंड्स चलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। यहाँ सबसे पहले अपने मैं ब्राउजर को ओपन करता हूँ जिसमें लॉग इन किया हुआ है अपने जीमेल को, जहाँ पे आपने वीडियो अपलोड करनी है। उसके बाद आपने क्रिएट एंड के अपलोडिंग वीडियो पे क्लिक करना है। अपलोड वीडियो पे क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पे आपको दो ऑप्शन शो करेगा कि आप वीडियो को उठा के यहाँ पे ड्रैग कर सकते हैं या आप फाइल अपने फोल्डर में से सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो मैं सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं कोई भी एक वीडियो यहाँ से अपने सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं जाता हूँ, अब कोई भी रेंडमली यहाँ से कोई वीडियो हम उठा लेते हैं। ये मैं आपको यहाँ से अपलोड करके दिखा देता हूँ। तो ये यहाँ से वीडियो अपलोड हो रही है। तो ये याद रखिएगा कि जब स्केजुअली आप वीडियो अपलोड कर रहे होंगे तो आप, जैसे कि अगर आज आप वीडियो को यहाँ से अपलोड कर रहे हैं तो आज के स्केजुअल नहीं लगा सकते कि आज के इतनी डेट को इतने टाइम पे ही अपलोड हो जाए। नहीं, आप अगले दिन का किसी भी टाइम पे आप 15 15 मिनट के जो स्पेस होती है, यानी कि अगर 12:15 12:30 इस तरह आप उसका टाइम सेट करके आप उसे अगले दिन के किसी भी अगले कितने भी दिन हो, अगर कोई भी तरीक हो, या फिर 4 दिन बाद करना चाहते हैं, 5 दिन बाद करना चाहते हैं, तो आप सेट कर सकते हैं। लेकिन आज की डेट में आप उसे नहीं अपलोड कर सकते ना, उसे स्केड्यूल नहीं कर सकते। उसे अपलोड तो कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए वीडियो मेरी हो गई है पब्लिश, यहाँ पर हो गई, फिनिश हो गई है। तो मैंने वैसे ही किसी की वैसे अपलोड आपको समझाने के लिए ये किया है यहाँ पे। तो यहाँ से आपने डिस्क्रिप्शन वगैरह आपने लिख लेनी है वीडियो की, जो भी आप लिखना चाहते हैं। उसके बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको ऑप्शन देगा कि एंड स्क्रीन आपने लगाने हैं और कार्ड्स लगाने हैं, तो अगर आपने लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है और ये देखें फ्रेंड्स, वो ऑप्शन शो हो गया है पब्लिक का, अनलिस्टेड, प्राइवेट। और नीचे ड्रैग डाउन करेंगे आप तो यहाँ से आपको ऑप्शन शो हो जाएगा स्केड्यूल का। तो ये यहाँ पे आपने स्केड्यूल के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये देखें आपको ये कल की डेट शो करेगा डायरेक्टली, आज की डेट शो ही नहीं करेगा। अब मैं आपको आज की डेट जैसे 20 है आज, तो मैं 20 आपको सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। तो ये देखें इसने यहाँ पे एरर दे दिया कि आप नहीं कर सकते अपलोड, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया। तो यहाँ से आपने अपने नेक्स्ट डेट कोई भी आप यहाँ से डेट सेलेक्ट कर सकते हैं जिस डेट को आप अपलोड करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ से आप उसका टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं कितने बजे आपने उस वीडियो को अपलोड करना है। ये देखिए 15 15 मिनट का वक्त आपको नज़र आ रहा है जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया। तो यहाँ उसके, अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो जब अपलोड होने वाली है, जैसे कि फ़र्ज़ करें आपने कल का 12 बजे का टाइम दिया है, तो उसे थोड़ी देर पहले जो से आपके सब्सक्राइबर्स हैं उनको नोटिफिकेशन पहुँच जाए, पहले से उनका जो सा उसका थंबनेल है उनको शो हो जाए, साथ टाइम शो हो जाएगा इतने बजे ये अपलोड होगी। तो यहाँ से आप उसको ये देखें लिखा हुआ है सेट एज प्रीमियर, तो आप प्रीमियर के तौर पे उसे आप कर सकते हैं। पब्लिक वॉच पेज विल बी क्रिएटेड, तो पब्लिक लोगों को पहले से पता लग जाएगी कि ये वीडियो आने वाली है और ये आप काउंटडाउन भी उसके साथ शो करेगी कि इतने टाइम पे वो स्टार्ट हो जाएगी वीडियो। तो उसके बाद आप सारा सेट करने के बाद आपने यहाँ पे स्केड्यूल पे क्लिक कर देना, वीडियो अपलोड हो जाएगी। अपलोड होने के बाद आप उसे आप अगले दिन जिस दिन आप चेक डेट को रखी हुई आपने उस दिन वो ऑटोमेटिकली वो अपलोड हो जाएगी। आपको नेट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ से आप पहले ही अपलोड कर चुके हैं। बेशक आपका नेट ऑफ है, आपका मोबाइल बंद है, जो भी हो वो वीडियो अपलोड होके रहेगी। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।